दोस्तों तो मैं आपके लिए आ गया हूँ किसी नाग एक्सरसाइज 6 का पार्ट 3 लेकर। बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट था कि इसके आगे का वीडियो बनाना। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक बता चुका हूँ और मैं इस क्वेश्चन में 16 से जितना तक बने वहाँ तक मैं बताऊँगा। तुम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है द प्राइस ऑफ ए हॉर्स एंड ए कैरेज इज 6250 एंड द प्राइस ऑफ हॉर्स इज 750 मोर देन दैट ऑफ द कैरेज, फाइंड द प्राइस ऑफ ईच। हम लोग को बोल रहा है जो हॉर्स और जो घोड़ा और कैरेज का जो प्राइस है वो 6250 है और जो घोड़ा का जो प्राइस है वो 750 रुपया सामान से कैरेज से ज़्यादा है। तो हम लोग से एक का पूछ रहा है, एक का दाम कितना होगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे द प्राइस ऑफ हॉर्स एंड कैरेज। हो जाएगा 6250 प्राइस ऑफ हॉर्स हो जाएगा 650 प्लस कैरेज। देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हॉर्स प्लस कैरेज, हॉर्स प्लस कैरेज इक्वल टू हो जाएगा रुपीज 6250। फिर हम लोग हॉर्स का वैल्यू लिख देंगे 750 प्लस, हम लोग कैरेज को शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं और जो कैरेज हो गया कैरेज ही लिख देंगे। फिर यहाँ पे दो कैरेज हो जा रहा है इसलिए हम लोग 2 × C कर देंगे और प्लस 2 × C कर देंगे और इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे 6250 माइनस 750। तो हमारा कैरेज का जो प्राइस हो जाएगा इसमें से पहले माइनस कर लेंगे तो हमारा माइनस करने पे आ जाएगा ये 5500। तो कैरेज का पूछ रहा है तो कैरेज हम लोग कर देंगे तो इनटू में था 2 तो डिवाइड में चला आएगा और 2 से काट देंगे 2750 कैरेज का इतना हो जाता है। तो हम लोग से हॉर्स का पूछ रहा है, एक का निकल गया और एक और बाकी है। तो हॉर्स का बोल रहा था कैरेज से 750 रुपये ज़्यादा है तो इसमें क्या करेंगे 2750 प्लस 750 हो जाएगा तो हम लोग ऐड करने पे आ जाएगा 3500। ये हमारा हो जाएगा एंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है जो 1200 रुपया है 1200 जो है हम लोग को ए बी और सी में बांटना है। तो हम लोग टोटल अमाउंट लिखेंगे, टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारा 1200। फिर एक जो मिलता है वह बी से 2 गुना मिलता है 2 × B और जो सी को मिलता है सी गेट वह 3 × B मिलता है, मतलब बी से 3 गुना मिलता है। हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी प्लस सी, तो तीनों का जो हो जाएगा तीनों कितना मिलता है वो हो जाएगा 1200। फिर ए का वैल्यू यहाँ जो होता है ये लिख देंगे 2 × B और बी का कुछ नहीं है तो बी का वही उतार देंगे और सी का दिया हुआ है तो 3 × B टोटल हो जाएगा 1200। इसमें टोटल बी कितना हुआ है 5 और 6 बी हो गए
सिक्स इंटू बी जाएगा 1200। फिर हम लोग को बी को कितना मिलता है, तो हो जाएगा 1200 बटा 6 इंटू में है तो इसलिए आ गया, तो काट के चला आएगा 200। अब ए का देखते हैं, तो ए का यहाँ पे क्या था, बी से दोगुना मिलता है, तो 200 इंटू 2 ये हो जाएगा 400। अब हम लोग सी का निकालेंगे, तो सी का बोल रहा है 3 इंटू बी मतलब 200 इंटू 3, तो हो जाएगा हमारा 600। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में है द कॉस्ट ऑफ हाउस एंड इट्स फर्नीचर इज 78,900 एंड द कॉस्ट ऑफ हाउस इज थ्राइस ऑफ दैट द फर्नीचर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द हाउस। इसमें जो हाउस एंड फर्नीचर का जो प्राइस है वो 78,900 है, और जो हाउस का जो प्राइस है वो फर्नीचर का 3 गुना है, तो हम लोग इसमें से पूछ रहा है द कॉस्ट ऑफ हाउस। हम लोग चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 19, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ हाउस एंड फर्नीचर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, फर्नीचर हो जाएगा 78,900। इसमें बोल रहा है जो कॉस्ट ऑफ हाउस है फर्नीचर की 3 गुना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाउस प्लस फर्नीचर इक्वल टू हो जाएगा 78,900। तो हाउस का यहाँ पे वैल्यू हो गया 3 इंटू फर्नीचर, और प्लस फर्नीचर कुछ नहीं दिया हुआ तो हम लोग यही उतार देंगे फर्नीचर। अब हो जाएगा हमारा 4 इंटू फर्नीचर इजिकल टू हो जाएगा 78,900। फिर फर्नीचर का प्राइस हो जाता है हमारा 4 से, तो हमारा हो जाएगा, तो हम लोग फर्नीचर का निकालिए तो हम लोग हाउस का निकालना है, तो हाउस इजिकल टू हो जाएगा, यहाँ पे हाउस का वैल्यू था फर्नीचर के 3 गुना, तो हो जाएगा 19725 इंटू 3, इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा 59175। तो क्वेश्चन नंबर 20 में है डिवाइड 270 एमोंग राम हरि एंड जाडू, टू दैट हरि मे गेट हाफ एज मच एज राम एंड जाडू मे गेट एट थ्राइस एज मच एज हरि। तो यहाँ जो हो जाएगा टोटल अमाउंट जो हो जाता है हमारा वो हो जाएगा रुपीज 270। फिर हरि मे गेट हाफ एज मच राम, तो हरि को कितना मिलता है, तो राम का आधा, जितना राम को मिलता है राम से भी आधा मिलता है उसको, दो तीन नंबर निकालेंगे जादू गॉड हो जाएगा गेट ट्राइस एज मच एज हरि, 3 इंटू हरि के 3 गुना मतलब हो जाएगा राम बटा 2 इंटू 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा हमारा राम हरि प्लस
दारू रुपीज 270, राम का हो जाएगा, राम का डाली देंगे, कोई इसका वैल्यू पर नहीं दिया हुआ है, हरी का दिया हुआ है राम बटा दो, और दारू का दिया हुआ है राम बटा दो बोले तीन इक्वल टू 270। फिर हमारा कर देते हैं हम लोग यहाँ पे थ्री इंटू राम बटा दो इंटू थ्री हो जाएगा रुपीज 270 बटा इंटू में है इसलिए थ्री जाएगा और फिर ऊपर हो जाएगा इंटू दो और फिर नीचे है तो इंटू थ्री से हो जाएगा फिर थ्री से कट जाएगा ये 19 फिर थ्री से कट जाएगा ये 30 फिर 30 टू जा 60। राम को जो मिलता है राम का जो वैल्यू हो गया राम का हो गया 60। हम लोगों को निकालना है हरी का तो हरी का हो जाएगा हमारा 60 बटा दो इसको 30 मिलता है और ये जादू को मिलता है 60 बटा टू इंटू थ्री टू से कट जाएगा 30 और 33 का 90 जादू को 90 मिल जाएगा मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में है व्हिच इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द नंबर ऑफ 5 डिजिट दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 253। तो जो भी 253 है 253 डिवाइड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हो जाएगा और हम लोग लगाएंगे थ्रीजा में लगेगा हमारा 759 हमारा हो जाएगा 2409 फाइव जा में लगेगा 9 जा में हमारा ठीक रहेगा 9327 टू हो गया 9 5 45 46 47 4 हो गया और 9 2 18 18 और 4 हो गया 22 2277 माइनस करने पे आ जाएगा हमारा 9 में से 7 गया 2 3 1 3 2 9 फाइव जाम लगेगा 15 26 और 12 हो जाएगा हमारा 9 5 4 6 64 फिर आखिरी लिखना होगा लिखेंगे हम लोग रिक्वायर्ड नंबर तो जो भी डिविडेंड है डिविडेंड माइनस रिमाइंडर तो आ जाएगा हमारा 99935।